मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कोलोनोस्कोपी की जो जांच है उसकी कॉस्ट के बारे में। जो कोलोनोस्कोपी है इज ए वेरी वेरी कॉमन इन्वेस्टिगेशन, इट्स ए नीडेड इन्वेस्टिगेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। आज मैं उसकी कॉस्ट या उसकी जो खर्च है उसके बारे में बात करूंगा। नाउ आपको कोलोनोस्कोपी की जो रिकमेंडेशन है वो डॉक्टर क्यों करते हैं? अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें मुझे लगता है कि आपकी जो आंत की इनसाइड लाइनिंग है या बड़ी आंत के अंदर की जो सतह है या सरफेस है उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, तो जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कोलोनोस्कोपी की जांच। जो कोलोनोस्कोपी की जांच है वो वास्तव में हमें लार्ज इंटेस्टाइन की जो इनसाइड सरफेस है उसकी पूरी जानकारी देती है। जब हम कोलोनोस्कोपी परफॉर्म करते हैं तो कोलोनोस्कोपी में एक फ्लेक्सिबल ट्यूब यूज की जाती है जिसके टिप पर एक कैमरा लगा होता है। ये अंदर की पूरी इंफॉर्मेशन हमें ट्रांसमिट करके देता है जो हम मॉनिटर पर देख सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपके कोलन में कोई इस तरह की प्रॉब्लम है जो सस्पेक्टेड है, जैसे कोई इंफ्लेमेशन है या स्वेलिंग है या कोई अल्सर्स है या छाले पड़े हुए हैं या कोई पॉलिप है जैसे गांठ है या कोई ट्यूमर बन रहा है जैसे कैंसर जैसी प्रॉब्लम है या कहीं कोई सस्पेक्टेड है कि कहीं बड़ी आंत नैरो तो नहीं हो गई, सिकुड़ तो नहीं गई है या आपकी जो बड़ी आंत है उसमें से कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, इन सभी चीजों को देखने के लिए हमें कोलोनोस्कोपी की जांच की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि कोलोनोस्कोपी की जो जांच है वास्तव में अगर हम कराएं तो कितना क्या कॉस्ट आएगी। जब कोलोनोस्कोपी की जांच होती है तो ये सिर्फ डायग्नोस्टिक नहीं है। जब कोलोनोस्कोपिस्ट कोलोनोस्कोपी करते हैं, अगर अंदर कोई पॉलिप निकलता है, छोटी गांठ निकलती है, उसको कट करके निकाल के अलग किया जा सकता है जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। अगर कहीं किसी एरिया की बायोप्सी की जरूरत है तो उसका टुकड़ा जांच के लिए निकाला जा सकता है, इन उसको पैथोलॉजी में जांच कराया जा सकता है। अगर अंदर कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसको जो ना इंजेक्शन के द्वारा या हीमोक्लिप के द्वारा ब्लीडिंग का जो पॉइंट है उसको बंद किया जा सकता है। अगर कोई एरिया नैरो है जिसके चलते बड़ी आंत सिकुड़ रही है तो उसको बलून के द्वारा डायलेट किया जा सकता है। ऐसे ही अगर वॉल्वलस जैसी कोई चीज है तो उसको कोलोनोस्कोप के जरिए से डीरोटेट किया जा सकता है, इन वास्तव में एक जो सर्जिकल इमरजेंसी है उसको बचाया जा सकता है। तो जो कोलोनोस्कोपी है डायग्नोसिस के अलावा ये सब इतने काम भी करती है जो आपको हेल्प करने के लिए हैं। जो कोलोनोस्कोपी है उसको करने के पहले प्रिपरेशन की जरूरत है। जो प्रिपरेशन है उसमें टाइम भी लगता है, उसके लिए अपॉइंटमेंट भी चाहिए। तो जब भी आप डॉक्टर के यहां कोलोनोस्कोपी के लिए जाते हैं तो आपको प्रिपरेशन एक्सप्लेन की जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि एक अपॉइंटमेंट लीजिए, कब आपकी कोलोनोस्कोपी होगी और कितना टाइम में आप टाइम लगेगा। ये आपको रिस्क भी एक्सप्लेन की जाती है कि ये अगर हम जांच करते हैं तो इसमें आधा परसेंट ही समझ लीजिए कुछ तो रिस्क होता है कि कहीं कोई परफोरेशन ना हो जाए, कहीं कोई ब्लीडिंग ना हो जाए। हम आपको ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये डिस्कम्फर्ट कितना होगा, पेन कितना लाइकली है। बट एज फार एज द कॉस्ट इज कंसर्न, जो कॉस्ट है वो हमेशा आपको रिसेप्शन से पता लगती है। तो इसलिए कॉस्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि 99% चांसेस आर जो कोलोनोस्कोपिस्ट जो कोलोनोस्कोपी करने वाला डॉक्टर है जो आपको सब चीजें एक्सप्लेन कर रहा है वो शायद कॉस्ट एक्सप्लेन नहीं करेगा। नाउ अगर हम कॉस्ट को ध्यान से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको समझना है कि जो कॉस्ट है वो बहुत वेरी करती है। जो फाइनल कॉस्ट है कोलोनोस्कोपी की वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इज द ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन की जब बात करते हैं कि आपकी जो कोलोनोस्कोपी है वो कहां हो रही है, मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया को देखें तो जो महाराष्ट्र में या गुजरात में जो कोलोनोस्कोपी की कॉस्ट है वो बिहार में नहीं हो सकती। जो बिहार है उसमें कॉस्ट हमेशा नीचे रहेगी बिकॉज ऑफ द लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इन महाराष्ट्र गुजरात में हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी। जो कॉस्ट कानपुर में होगी वो मुंबई में नहीं हो सकती। जो मुंबई में कॉस्ट होगी वो कानपुर में नहीं हो सकती। अगर मुंबई को भी हम ध्यान से देखें तो जो कॉस्ट बोरीवली में होगी वो साउथ बंबई या बांद्रा में नहीं होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें जो कॉस्ट है कोलोनोस्कोपी की वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। इकोनॉमिकल हेल्थ ऑफ द सिटी उस पर डिपेंड करती है, इन एरिया ऑफ द सिटी कंसर्न उस पर भी डिपेंडेंट है। तो जो कॉस्ट है उसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, जो पेशेंट या कोलोनोस्कोपी जिनकी होनी है उनकी हेल्थ क्या प्रॉब्लम है, जो हेल्थ जो इशू है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्निंग इश्यूज। अगर पेशेंट बहुत इल है
या बहुत सिक है या बहुत बीमार है, इसका मतलब यह है कि कोलोनोस्कोपी एज इंडोर ही होगी। अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब है तो आपको एडमिट होना पड़ेगा और इंडोर ही प्रोसीजर होगी। अगर इंडोर करके आपकी कोलोनोस्कोपी की जांच होगी तो कॉस्ट ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसे ही आपकी कोलोनोस्कोपी की जांच होना है लेकिन साथ में आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, अगर ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो जांच के दौरान आपको एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी रिस्क को देखते हुए। अगर उन एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी तो कॉस्ट हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। दैट इज नंबर टू। नंबर तीन, इस पर डिपेंडेंट है कि आपकी जो प्रोसीजर है वो कहां परफॉर्म हो रही है। अगर आपकी कोलोनोस्कोपी प्योर आउटडोर में परफॉर्म हो रही है तो जो कॉस्ट है वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगी, लेकिन जब ये प्रोसीजर हॉस्पिटल सेटिंग में होती है तो कॉस्ट हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। कुछ एक्सेप्शन जरूर हो सकते हैं बट बाय एंड लार्ज द डिक्टम इज कि अगर एज ओपीडी प्रोसीजर हो रही है तो कॉस्ट नीचे होगी और अगर हॉस्पिटल में ये कंडक्ट हो रही है प्रोसीजर तो कॉस्ट हमेशा ऊपर की तरफ होगी। कॉस्ट इस पर भी डिपेंडेंट है कि प्लेन कोलोनोस्कोपी के अलावा और एडिशनल क्या प्रोसीजर हुई, क्या बायोप्सी साथ में हुई, या पॉलिप था तो पॉलिप कट करके निकाला गया, क्या आपका जो कोलन कहीं सिकुड़ी थी तो उसको डायलेट किया गया, कहीं ब्लीडिंग के लिए हीमोक्लिप लगाया गया। अगर कोई भी एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म की जाएगी तो कॉस्ट हमेशा इसमें ऐड होगी तो कॉस्ट ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम मोटे मोटे तौर पर सर्वे करके देखें कि कॉस्ट कहां कैसी है, उसको जरा मोटे तौर पर समझिए इंडिया के पर्सपेक्टिव में। अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखें तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो ओपीडी बेस पे जो कोलोनोस्कोपी होती है उसकी कॉस्ट 8,000 से 10,000 के बीच में जाती है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अगर ये इन्वेस्टिगेशन होता है, कोलोनोस्कोपी होती है तो कॉस्ट 10,000 to 15,000 रुपीज के बीच में जाती है। अगर हम स्टेट कैपिटल्स को देखें तो बाय एंड लार्ज जो कॉस्ट है वो 6,000 से लेकर 8,000 के बीच में है। जो बी ग्रेड सिटीज हैं इसकी जो कॉस्ट है वो 4,000 से 6,000 के बीच में आती है। जो कॉस्ट है वो वेरी करती है कि आप वास्तव में किस बेस पर जो ना करा रहे हैं। नाउ जो कोलोनोस्कोपी की कॉस्ट है उसमें कुछ और कॉस्ट जो जुड़ जाती हैं उनको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जो कोलोनोस्कोपी है उसके पहले आपको प्रिपेयर करने के लिए कुछ लिक्विड लेना पड़ेगा, कुछ मेडिसिन लेनी पड़ेगी, या जिसे कहते हैं कोलोनोस्कोपी प्रिपरेशन किट, इसे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसकी कॉस्ट जो है वो 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए के बीच में आती है। नंबर दो, सेडेशन। अगर आपको नींद की दवाई दी जाती है तो किस तरह का सेडेशन दिया जाता है उसकी कॉस्ट आएगी, और अगर आपको बेहोश करने के लिए बेहोशी के डॉक्टर या एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को अगर एम्प्लॉय किया जाता है तो उसकी कॉस्ट इसमें ऐड हो जाती है। नाउ अगर आपको बायोप्सी की जरूरत पड़ी तो बायोप्सी आपकी हुई तो जो बायोप्सी मटेरियल है वो पैथोलॉजी भेजा जाता है फॉर द हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो उसकी कॉस्ट जो है इसमें जुड़ जाती है। ऐसे ही बहुत सारे सेंटर्स में किस इंडिकेशन के लिए की जा रही है कोलोनोस्कोपी उसके हिसाब से इसकी जो कॉस्ट है वो टेलर की जाती है। बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो जो कोलोनोस्कोपी है उसकी कॉस्ट को कवर करती हैं, उसको पे करती हैं, बट यूजुअली ये जो कंपनीज ये चाहती हैं कि कोलोनोस्कोपी से जो जैसी जांच है वो एज इंडोर की जाए। इसका मतलब है कि आपको एडमिट करने की होने की जरूरत है तभी आपकी कोलोनोस्कोपी की जांच कंडक्ट की जाएगी। द सेकंड वन इज जो एक ऑप्शन है कि स्टैंडर्ड कोलोनोस्कोपी के अलावा क्या आप वर्चुअल कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं, क्या उसमें खर्च कम आएगा। नाउ वर्चुअल कोलोनोस्कोपी क्या है? जो वर्चुअल कोलोनोस्कोपी है ये सीटी स्कैन इन एमआरआई की मदद से एक थ्री डायमेंशनल इमेज क्रिएट की जाती है लार्ज इंटेस्टाइन की। तो सीटी स्कैन या एमआरआई के थ्रू थ्री डायमेंशनल इमेज हमने तैयार की एंड उससे हमें कोलन दिखाई दी। इसे हम स्टैंडर्ड कोलोनोस्कोपी के कंपैरिजन में कहां रखते हैं? यह बात बिल्कुल सही है कि लेस इनवेजिव है, पेनलेस है। यह बात सही है कि इसकी जो एक्यूरेसी है विस स्टैंडर्ड कोलोनोस्कोपी अभी स्क्रूटनी में है, क्वेश्चन में है कि क्या इसकी एक्यूरेसी उसके बराबर है या एक्यूरेसी उसके बराबर नहीं है। मेरा ऐसा सोचना है कि इसकी एक्यूरेसी अभी उसके बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जो मेडिकेयर एस्टिमेट्स इन यूएस व्हाट दे फाउंड के वर्चुअल कोलोनोस्कोपी जो कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड कोलोनोस्कोपी से अप्रोक्सीमेटली 29% कम है। इसका मतलब मोटे तौर पर 30% कम है या एक तिहाई कम है। तो जो वर्चुअल कोलोनोस्कोपी है वो स्टैंडर्ड कोलोनोस्कोपी से एक तिहाई कम कॉस्ट करती है। नाउ इन सम हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशंस जो कोलोनोस्कोपी है वो लो कॉस्ट में होती है, एट
टाइम्स कहीं कहीं ये फ्री भी कंडक्ट की जाती है। नाउ आपके सिम्टम्स को देखते हुए, आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, ये भी हो सकता है कि डॉक्टर ये रिकमेंड करें कि आपको फुल कोलोनोस्कोपी कराने की जरूरत नहीं है, आपका काम सिर्फ सिग्मॉइडोस्कोपी से चल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें फोटोग्राफ को, जो सिग्मॉइडोस्कोपी है इसमें हम जो टर्मिनल 30-40% एरिया है बड़ी आंत का, उसे ही सिर्फ एग्जामिन करते हैं। ये बिल्कुल एकदम ओपीडी प्रोसीजर है, सिर्फ एनिमा लगा के की जा सकती है। इन इसकी कॉस्ट बहुत नीचे आ जाती है, ऑन एन एवरेज जो कॉस्ट है वो 2-3 हजार के बीच में आ जाती है, तो कॉस्ट एकदम नीचे की तरफ आती है। लेकिन इस फैक्ट को समझने की जरूरत है कि ये आपकी बड़ी आंत के सिर्फ एक तिहाई हिस्से को एग्जामिन करती है, लेकिन आपके सिम्टम्स के हिसाब से अगर आपके डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ कोलोनोस्कोपी सिर्फ सिग्मॉइडोस्कोपी कराने से डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगी, तो इस इन्वेस्टिगेशन को कराने से आपकी जो कॉस्ट है वो नीचे की तरफ आएगी। तो टू कंक्लूड फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से देखें, जब भी कोलोनोस्कोपी की जरूरत है तो बात सही है कि आपको क्वालिफाइड ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से परफॉर्म कराने की जरूरत है, क्योंकि कोलोनोस्कोपी कुछ तरह की प्रोसीजर है जो डायग्नोस्टिक चैलेंज भी है, और यह बात भी सही है कि थोड़ा सा रिस्क लेके चलती है। जब भी आपको कोलोनोस्कोपी कराना है एंड आपको थोड़ा सा भी एप्रिहेंशन है तो आपको सिडेशन के लिए ऑप्ट करना चाहिए, सो दैट कि अगर सिडेशन आपको दिया जाएगा या नींद की दवाई दी जाएगी तो ये जो एक्सपीरियंस है अब द कोलोनोस्कोपी, ये आपके लिए अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा। नंबर तीन, अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं, जैसे आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, आपको सांस की प्रॉब्लम है, आपको दूसरे कोई कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं, तो वास्तव में आपको कोलोनोस्कोपी हॉस्पिटल सेटिंग में कराना चाहिए, भले ही आपको 24 आवर्स हॉस्पिटल में रहने की जरूरत पड़े। इसके अलावा आपको अपने डॉक्टर से बेसिक कॉस्ट के बारे में बात करनी चाहिए, उनसे समझना चाहिए कि अगर इसकी बायोप्सी की जरूरत पड़ती है या पॉलीपेक्टमी की जरूरत पड़ती है या एडिशनल कोई भी कॉस्ट प्रोसीजर होती है तो वास्तव में क्या कॉस्ट इनकर करेगी। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो कोलोनोस्कोपी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, ये बात सही है कि जहां तक कॉस्ट जो कोलोनोस्कोपी की है या कोलोनोस्कोपी कराने में जो खर्च आता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। नंबर वन, ये किस कहां पे कंडक्ट की जा रही है, बॉम्बे में हो रही, दिल्ली में हो रही, कानपुर में हो रही, किस जगह पे हो रही है, इस पे डिपेंडेंट है। नंबर टू, ये किस इंडिकेशन के लिए हो रही है वो डिपेंडेंट है। ये आपकी हेल्थ कैसी है, आपको दूसरे कोई इलनेसेस तो नहीं है, इस पे डिपेंडेंट है। एंड इसके अलावा क्या कोलोनोस्कोपी के दौरान और कोई एडिशनल प्रोसीजर होगी, लाइक बायोप्सी तो नहीं होगी, पॉलीपेक्टमी तो नहीं होगी, डायलिटेशन तो नहीं होगा, जो कॉस्ट है वो उसमें एड हो जाती है। तो जहां तक कोलोनोस्कोपी के कॉस्ट का सवाल है वो इन्हीं सब फैक्टर से डिटरमाइन होती है। अगर आप समझते हैं कि कोलोनोस्कोपी की कॉस्ट को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।